जिला समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भारती का किया गया भव्य स्वागत। पगड़ी चौकी इंचार्ज द्वारा पत्रकार के साथ किया गया दुर्व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवरिया जनपद के एक निजी मैरिज हॉल में पत्रकार एकता समन्वय समिति की बैठक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार एकता समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भारती रही थी। कार्यक्रम का संचालन लियाकत अहमद ने किया। कार्यक्रम में पत्रकार एकता समिति के सदस्यों द्वारा पिंकी भारती को बुके एवं माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भारती ने बताया कि मैं पत्रकारों के हित के लिए निरंतर लड़ती रहूंगी। आप अपने को संगठित करो और आप इस संगठन में जुटते हैं तो सभी को एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ संगठन में सक्रिय लोगों को जोड़ने की जरूरत है, निष्क्रिय लोगों की संगठन में कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वामित्र ने बताया कि आप दिन पत्रकार के साथ हो रहे उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में पकड़ी चौकी इंचार्ज द्वारा एक पत्रकार को मोबाइल छीन कर फेंका गया, जिसकी मैं काफ़ी निंदा करता हूँ। अगर इस दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किया गया तो हम घर धरने पर बैठने पर बाध्य होंगे। एकता समन्वय समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य है अध्यक्ष जी का? पत्रकार एकता समन्वय समिति का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिले। पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार अपने कार्यों के बदौलत चौथा स्तंभ की उपाधि दी, लेकिन हमको भारत सरकार के द्वारा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। यह हमारी बैठक जनपद इकाई की बैठक थी, जिसमें प्रथम आगमन हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पिंकी भारती जी का आगमन हुआ था, जिसमें हम भी उपस्थित हुए हैं। और निरंतर सभी जनपदों में पिंकी भारती अपने नेतृत्व में बैठक ले रही हैं, उसी के निमित्त आज देवरिया उनका आगमन हुआ था। और हम संगठित इसीलिए हो रहे हैं कि पत्रकारों के उत्पीड़न आए दिन हो रहे हैं। जब तक हमको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तो पत्रकारों को उत्पीड़न होता रहेगा। पत्रकारों के हितों को लेकर सरकार साहब की कुछ मांगे हैं? मांगे हैं, हम तो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा मिले। और जब संवैधानिक दर्जा हमको मिल जाएगा तो सरकार से जो भी सुविधा मिलना है सभी सुविधा हमको मिल जाएगी। अभी मदनपुर में पकड़ी चौकी इंचार्ज के द्वारा एक पत्रकार का मोबाइल खबर कवरेज करने के दौरान छीन कर फेंक दिया गया था हाथ से, जिसके बाद से कप्तान महोदय ने काफ़ी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, आप हमको हमारे संज्ञान में डाल रहे हैं। मैं अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछ कर आवश्यक कार्रवाई करवाने का कार्य करूंगा। हमारी इन्हीं न्यूज चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावा ना भूलता।